एक खबर सामने आ रही है बेगूसराय के मंझोल से, जहां मंझोल क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे लाश बरामद किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार लाश को लावारिस बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया और 72 घंटे हो जाने के उपरांत मंझोल थाना प्रभारी के निर्देश लाश को बेगूसराय सदर अस्पताल से मंझोल लाया गया। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गण की रिपोर्ट। क्या लेने के लिए आए हैं? वो जो है सो लावारिस लाश को हम 72 घंटा के बाद जो है सो ले जा रहे हैं। कहाँ से लाश आया था ये? मंझोल। कब? 14 तारीख रे 13 तारीख। किसके निर्देश पे लेके जा रहे हैं? ये जो है सो यहाँ से डॉक्टर जो है उन्हीं के आदेश से लेकर, और हमारा थाना प्रभारी भी बोले हैं 72 घंटा पूर्व गया उसको लेकर। क्या थाना प्रभारी का नाम है? अजीत कुमार। आपका नाम क्या है? कारी साहब। आप क्या है वहाँ पर? चौकीदार। कहाँ से बरामद की गई थी? बूढ़ी गंडक से, गांव सिबरी पत्थल घाट। कब बरामद की गई थी? वही 13 तारीख को। अरे मतलब कहाँ आए हैं? उत लाश ले जा। कौन लाश? यहाँ छह से लेबारिस लाश यहाँ से 72 घंटा धैल। उसका टाइम पूर गया। हाँ, आज क्या कीजिएगा? आई ले जी। कहाँ? जलवे। किस थाना से है? मंझोल। क्या नाम है? अगर तो है अमर नंदन मत। आप क्या हैं वहाँ पर? चौकीदार।